नेत्रहीन कल्याण मंच अंबाला के महासचिव संदीप कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को छावनी अंध विद्यालय से नेत्रहीनों ने पैदल रोष मार्च निकाला और थाली बजाते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचे। वहीं इस दौरान तैनात पुलिसकर्मियों ने नेत्रहीनों को शास्त्री कॉलोनी गेट पर ही रोक दिया। लगभग 3 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में कभी नेत्रहीन बंद गेट के ऊपर चढ़कर मंत्री के निवास स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए, तो कभी पुलिसकर्मियों के सामने नेत्रहीन असहाय नजर आए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि हरियाणा में नेत्रहीनों की बड़ी ही दयनीय स्थिति है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी नेत्रहीन मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी नेत्रहीन बेरोजगार हैं और सरकार से अपनी आजीविका की मांग कर रहे हैं। थोड़ा हमने ली क्योंकि हमने पहला कानून की रिस्पेक्ट किया, दूसरा पुलिस प्रशासन से हमने 5 मिनट का टाइम दिया, हमें 10 मिनट रुके, इन्हें 10 मिनट का टाइम दिया, 15 मिनट रुक गया। आप लोगों की मांग क्या मुख्य, क्या किस मुख्य माने हम बेरोजगार है सारे हमारा बैकलॉग रुका हुआ है, ग्रुप डी में हमारे को कम्प्लीट भर्ती नहीं दी जा रही है। मंत्री से मिलके जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल मिलके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छावनी में चल रहे अंध विद्यालय के ग्रांट को सरकार ने बंद कर दिया है। उनकी सरकार से मांग है कि इस ग्रांट को अतिशीघ्र पुनः चालू किया जाए। बता दें लगभग 3 घंटे के शोर शराबे के बाद पीए अजय कुमार की ओर से नेत्रहीनों को एक लिखित पत्र सौंपा गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री की निजी व्यवस्था के बारे में बताते हुए मंत्री जी के कल 11 बजे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बारे में लिखा गया, जिसके बाद नेत्रहीन शांत हुए। प्रथम तहलका ब्यूरो रिपोर्ट।